सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मकलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए वो इजीली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जॉनी डेप के बारे में बात करने वाला हूँ। हाल ही में जॉनी डेप और एम्बर का केस जब से स्टार्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स निकल के आने लगे हैं जॉनी डेप से रिलेटेड, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और जॉनी डेप ने जो कैरेक्टर ग्रिंडलवॉल्ड का परफॉर्म किया था उस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ग्रिंडलवॉल्ड का रोल जॉनी डेप ने परफॉर्म किया था वो ना एकदम नेक्स्ट लेवल का था। एक सबसे बड़े विजार्डिंग वर्ल्ड के विलन को बखूबी परफॉर्म किया था जॉनी डेप ने। जॉनी डेप ने जिस तरह से ग्रिंडलवॉल्ड का रोल किया था, मैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को बिल्कुल भूल गया था कि वो कितना ईवल है, और सिर्फ ग्रिंडलवॉल्ड ही नज़र आ रहा था कि यार ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी मस्त एक्टिंग करी थी जॉनी डेप ने। लेकिन अगर मैट्स के जॉनी डेप रोल की बात की जाए तो वो थोड़ा फीका पड़ गया है, और वो ग्रिंडलवॉल्ड की फील भी मैट्स की एक्टिंग से नहीं आ पाई जो कि जॉनी डेप की एक्टिंग से आ पाई थी। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैट्स जो है वो बहुत ही बुरे एक्टर है, लेकिन यार जॉनी डेप तो जॉनी डेप ही है। जॉनी डेप ने ग्रिंडलवॉल्ड का रोल जब किया तो एकदम ऐसा लगा कि यार क्या मस्त एटीट्यूड है ग्रिंडलवॉल्ड का, और अकेला ऑरर्स के सामने आकर खड़ा हो गया है। स्पेशली वो सीन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मतलब चलने का स्टाइल हो या बात करने का स्टाइल हो या बोलने का स्टाइल हो, जॉनी डेप ने एकदम परफेक्ट फील कराया था कि ग्रिंडलवॉल्ड क्या था। बट वो एटीट्यूड वाला स्टाइल मैट से फील नहीं हुआ फैंटास्टिक बीस्ट 3 देखने के बाद। इनफैक्ट जॉनी डेप ने जो पहली लाइन ग्रिंडलवॉल्ड के रूप में बोली थी फैंटास्टिक बीस्ट 1 की एंडिंग में, डू यू थिंक यू कैन होल्ड मी, भाई साहब बस इसी लाइन के बाद से मैं ग्रिंडलवॉल्ड का फैन हो गया, क्योंकि जॉनी डेप ने इतने एटीट्यूड से बोला था ना कि मज़ा आ गया। और उसके बाद अमेरिका की मिनिस्ट्री हेड उसे मिस्टर ग्रिंडलवॉल्ड बोल रही है। मतलब समझ रहे हो, जिसने एकदम तबाही मचा दी थी उसके बाद भी उसे मिस्टर ग्रिंडलवॉल्ड बोला जा रहा है। कभी सुना है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मिस्टर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बोला हो या मिस्टर टॉम रिडल बोला हो? लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड का ना इन लोगों ने बेस सा बना दिया था कि उसमें कितना एटीट्यूड और वो कितना शानदार है। लेकिन फैंटास्टिक बीस्ट 3 में वो फील नहीं हो पाया कि मैं सामने ग्रिंडलवॉल्ड को ही देख रहा हूँ जिसे मैंने फर्स्ट और सेकंड में देखा था। जहाँ जहाँ मैट्स आ रहा था वहाँ वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जॉनी डेप होता तो कुछ अलग ही बात होती। तो ये सारी चीज़ मुझे मैट्स के साथ बिल्कुल भी फील नहीं हुई फैंटास्टिक बीस्ट 3 से, बट शायद वो फील फैंटास्टिक बीस्ट 4 में आ सकती है। यानी पॉसिबली जॉनी डेप फैंटास्टिक बीस्ट 4 में वापस आ सकते हैं। जॉनी डेप और एम्बर के केस के चक्कर में ही उन्हें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फ्रेंचाइजी और फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी से हटा दिया गया था, बट अब इस केस में जॉनी डेप के जीतने के चांस ज़्यादा है, और इनफैक्ट इन माई ओपिनियन वो ही जीतेंगे। और तरह तरह के मीम्स भी एम्बर के ऊपर ही बन रहे हैं, जॉनी डेप के ऊपर कोई भी मीम्स नहीं बन रहा है। तो हाल ही में कई सारे रूमर्स निकल के आए हैं कि जॉनी डेप को फिर से डिज्नी बुला रहा है, क्योंकि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की लास्ट मूवी यानी 6th पार्ट आना बाकी है, और जॉनी डेप के सिवाय कैप्टन जैक स्पैरो का रोल कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता है भाई कैप्टन जैक स्पैरो का रोल तो जॉनी डेप के अलावा। तो डिज्नी जॉनी डेप को शायद वापस ले सकता है। आप ये हेडलाइंस पढ़ सकते हैं, कोई कह रहा है कि जॉनी डेप को प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर दिया है कि वो वापस आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ, तो तरह तरह के र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं। और हो सकता है ये सारे र्यूमर्स सच भी हो सके, क्योंकि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सिर्फ एक लास्ट मूवी आनी बाकी है, और अगर ये लोग जॉनी डेप को वापस बुला लेते हैं और जॉनी डेप भी मान जाता है तो मूवी ज़बरदस्त होने वाली है। और ठीक उसी तरह जॉनी डेप ग्रिंडलवॉल्ड के रोल में भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी वैसे ही डूबी पड़ी है, लेकिन जॉनी डेप फैंटास्टिक बीस्ट 4 में ग्रिंडलवॉल्ड के रोल के साथ कमबैक करेंगे तो भाई तबाही मच जाएगी। जॉनी डेप ने हाल ही में ग्रिंडलवॉल्ड से रिलेटेड कुछ बातें बोली थी, आप लोग ये सुन सकते हैं। पॉजिटिव बातें बोली थी, नेगेटिव नहीं बोली थी। He's an interesting character, Grindelwald. His intentions are his mind for the greater good. So in my opinion की इन लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि जो लोग उस केस को देख रहे हैं उस हिसाब से उन्हें पता होगा कि जॉनी डेप जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल ही है, और जितने भी मीम्स वगैरह है वो एम्बर के ऊपर ही बन रहे हैं। यानी विरोध जो है वो ज़्यादा एम्बर का हो रहा है ना कि जॉनी डेप का। और लेकिन शायद अब डिज्नी और वॉर्नर ब्रोस इस बात को समझ गया है, और डिज्नी शायद कमबैक कर सकता है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी 6 के साथ, और वॉर्नर ब्रोस फैंटास्टिक बीस्ट 4 में तबाही मचा सकता है जॉनी डेप के कमबैक के साथ। और आई थिंक कि डिज्नी जो है वो ज़्यादा फोर्स करेगा जॉनी डेप को पायरेट्स मूवी में आने के लिए, क्योंकि एक ही मूवी बची है। लेकिन वॉर्नर ब्रोस के बारे में आप लोगों को सबको पता है, लेकिन वॉर्नर ब्रोस के ऊपर अब डिस्कवरी भी आ चुका है, जिसके बारे में मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, तो शायद वो जॉनी डेप को लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कौन बेस्ट ग्रिंडलवॉल्ड है, जॉनी डेप या मैट्स माइकलसन? वैसे मुझे आंसर तो पता ही है कि आप में से बहुत सारे लोग क्या लिखोगे, लेकिन नीचे कमेंट में जरूर लिख देना। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।